हमारा कोई वो पॉइंट नहीं है, कोई हमने कोई आईएएस या यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी देना है यहाँ पे। सही बात है। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. आपको टर्बन्स का शौक है? वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं तो टर्बन के शौक कैसे? मतलब कलर, मतलब ऑफ स्टाइल्स या वो? नहीं। तो आज मैंने मतलब so if you see all my pictures ना, तो you will only see maroon. ये शादी के पहले था। वो फेवरेट कलर है? वो इसलिए बिकॉज़ वो हमारा ब्रांड का कलर जो हटेक का वो मरून है, मरून रेडिश है। सो आई वेयर दैट कॉलेज में। आई वाज ओनली वेयरिंग नेवी ब्लू यूनिफॉर्म। हाँ, वो नेवी ब्लू टाइप। हाँ, और फिर लास्ट इतने साल बस मरून रेड मरून रेड। नाउ सिंस लास्ट वन ईयर आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद कलर्स। मेरे को किसने बोल दिया था कि यार, मतलब उन्होंने कुछ प्रोफाइलिंग कर रहे थे और उन्होंने मेरे को पिक्चर्स मांगी, तो मैंने चार पिक्चर्स भेजी। सब तो एक दिन की है फोटो। मैं कह नहीं, एक दिन की नहीं है भाई, अलग अलग है। तो आई थिंक मतलब थोड़ा सा आई एक्सपेरिमेंट लिटिल बिट, बट नहीं। बट ऐसा कोई कलर है या कभी जैसे यू गो फॉर अ बिग बिजनेस मीट या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई कि ये मेरा लकी कलर है, ऐसा कभी लगा है? ये ब्लैक और ब्लू। हाँ, सो दिस आई लाइक ब्लैक एंड ब्लू। मैंने क्रॉक्स डाले। ये सारे बंदों की मुझे लग रहा है एक बीमारी है। मतलब मेरा भी ना एक सवाल है सिमर, मतलब मैं जब भी जाता हूँ ना कभी अच्छे ब्रांड स्टोर में जाता हूँ, वेस्ट साइड में, मतलब यूसीबी को छोड़ दो, मैं कहता हूँ कि यार तुमने बंदों के लिए ना दो तीन रंग ही बनाया है, एक नीला, एक काला और एक कुछ आधा नीला आधा काला। और आप वुमेन सेगमेंट में जाओ तो यू सी सो मेनी शेड्स। मतलब डू यू टेक योर फैमिली आउट फॉर शॉपिंग? डू यू गेट टाइम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गलत आदमी है शॉपिंग के बारे में बात करने के लिए, लेकिन करेक्ट है बिल्कुल। अगर हम सिमर के साथ पावर की बात करें, सोलर की बात करें, ये इतना करंट ड्रिवन काम में हाथ डालने का कब सोचा? सो जब व्हेन यू टॉक अबाउट जो हम सोलर कर रहे हैं यहाँ पावर सेक्टर की जब आप बात करते हैं, सो ऑफ कोर्स दिस वाज स्टार्टेड बाय माय फादर 30 इयर्स बैक। 1991 में कंपनी बनी थी, तो मैंने ज्वाइन किया, मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 2010-11 के आसपास आई ज्वाइन। तब हम सोलर में तो वी आर नॉट दैट एक्टिव, थोड़ा इससे हमने किया था। आई थिंक ये ग्रेजुअली हो गया, बट लास्ट आई वुड से 5-6 ईयर्स और आई वुड से 7-8 ईयर्स में जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, व्हेन यू सी नंबर्स लाइक कि पूरे दुनिया में अगर यू नो 700 करोड़ की आबादी है, 800 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ के पास अभी भी बिजली नहीं है। भारत में अगर हम बात करते हैं कि अगर 130 करोड़ की आबादी है, अभी भी 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। छोड़ो यार जो गांव में लोग हैं, शहरों में देखो बिजली के कट कितने होते हैं, यहाँ चीज़ें हैं, मतलब अभी मतलब ये तो एक बड़ी बेसिक नीड है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि खाना खाना, कपड़े डालना आपकी नीड है, ऑनलाइन कपड़े मंगाना आपकी वांट है ना, ऑनलाइन खाना मंगाना आपकी वांट है। तो अगर आप देखो लास्ट 100 साल में भी देखो कितने ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज हैं कि जो एक्चुअली नीड पे बने हैं। लास्ट 10 साल में जितने स्टार्टअप्स देख लो, मतलब काफ़ी, कई तो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, सारे के सारे वांट्स पे बन रहे हैं। कौन बात कर रहा है? आज हम आपने पावर सेक्टर की बात की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की। आपको पता है कि 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज पूरी दुनिया की जो हैं 16 इंडिया में से आती हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन बात कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में? सो आई थिंक मुझे मोर देन, जैसे आपने बोला कि इतना पावर ड्रिवन या करंट ड्रिवन जो हम काम कर रहे हैं, आई थिंक मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट की थी टू स्पेंड माई लाइफ इन दिस सेक्टर इज दैट प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है। मैं 2011 में कलाम साहब को मिला, जो कि मैं मानता हूँ मेरी टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। He was the president at that time. He was the president. So Simar Preet has had the opportunity, I would say once in a lifetime opportunity to meet APJ Abdul Kalam Saab, the former president of India, a nuclear scientist. So actually ना वो 5 मिनट जो उनके साथ थे ना, मैं आज भी जब बात करता हूँ आई हैव गूज़बम्स, यू नो, जस्ट टू थिंक ऑफ हिज हैंडशेक व्हेन ही शुक माय हैंड एंड दैट ग्लो इन हिज आई, दैट ट्विंकल इन हिज आई, है ना। तो जब मैं उनको, हम आई वाज इन माय फोर्थ ईयर ऑफ माय कॉलेज, है ना, 2010-11 की बात है, तो इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम पे, आखिरी साल था, मतलब हमने पास आउट कर लिया था, वो जो होता है ट्रेनिंग का होता है टाइम, है ना। तो वो दौरान जब मैं था
फोर्थ ईयर में बच्चे होते हैं तो कोई भी चीफ गेस्ट आता है ना, तो फोर्थ ईयर के तो अपने आप को भगवान ही समझते हैं कि हम सबसे सीनियर हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वैसे ही सीनियरिटी का बड़ा वो रहता है। तो आई वॉज वेरी एक्टिव इन दिस कल्चरल क्लब्स एंड ऑल दैट। तो मुझे जो प्रोफेसर थे उन्होंने जिम्मा दिया कि कलाम साहब आ रहे हैं आप करिए, और मैं बड़ी ऑनेस्टली एंड वेरी मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ, मतलब कलाम साहब को पता था उस टाइम पे क्या चीज़ है, बट कभी ऐसे मिले नहीं थे, और उनकी एक्चुअल में अचीवमेंट नहीं पता थी वो, ऑफकोर्स जब मिले उसके बाद पता लगी। जब मैं उनको भाई मिला ना, आसपास तीन चार और लोग थे वो सेंटर में थे, और उन्होंने कीनोट स्पीच देना था स्टेज पे जाने के लिए, तो अब बोलते वो सवाल ही नहीं आ रहा था क्या पूछना, मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैं कहा सर व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, साथ थे बिल्कुल है ना, तो उन्होंने पहले हाथ मैंने नाम बताया, हाथ उन्होंने मिलाया, और उन्होंने देख के ना मुझे बोला कहते द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज़ टू बी हैप्पी। मैं आज भी जब मैं बोलता हूँ सोचता हूँ ना कि उन्होंने उनका मतलब क्या, आज मैं डीकोड नहीं कर पाता वो लेजेंड की जो बात है, कहते द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज़ टू बी हैप्पी, द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सस्टेनेबल। पहली बार शब्द मैंने सुना था जब मैं 21 साल का था, सस्टेनेबल। आज मेरे हर एक इंटरव्यू में सस्टेनेबल बोलता ही बोलता हूँ, सस्टेनेबल। द फ्यूचर ऑफ इंडिया विल बी हैप्पी एंड सस्टेनेबल एंड व्हेन एवरी हाउस होल्ड विल हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एक्सेस टू क्लीन एनर्जी। ये लाइन थी, बस चेंज कर दी लाइफ, जिंदगी चेंज कर दी। मतलब ये लाइन बोली थी, सस्टेनेबल क्लीन वाटर क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। कुछ नहीं समझ आया उस टाइम, बस मैं ऐसे ही रह गया, दंग ही रह गया, बोला क्या कलाम साहब ने। बस वो अपनी स्पीच लेने गए, उन्होंने इंडिया 2020 की बात की, इंडिया हैप्पी, बस ऐसे ही रह गया मैं। मैं कह ये क्या होगा मेरे साथ, एंड ही शोड मी द डायरेक्शन, ही शोड मी द पाथ। एंड उसके बाद जब 2012 में प्रॉपरली इंडक्ट हुए हटेक ग्रुप में, एंड फिर 2014-15 में आई स्टार्टेड इन टू रूफटॉप सोलर, जो है जहाँ हम पूरे भारत में जो भी काम कर रहे हैं, और अमंग द टॉप 10 है इंडिया में। मैं अभी भी मतलब ना आई कैनॉट टॉक मोर अबाउट कलाम साहब, मतलब मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ एकदम कि आई जस्ट गो बैक टू दैट टाइम। सो दैट इज़ वन मोमेंट, एक वो पल होता है ना जो जिसको कहते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है, आई थिंक ये वो मोमेंट था जिसने आपको आई थिंक वो दिशा दी, वो डायरेक्शन दी। जैसे होता है ना हम यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में होते हैं, हमारे कुछ अपने ड्रीम्स होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कुछ हमारे साथ हो जाए या हमें कुछ मिल जाए, और तब तक का आपका क्या कुछ चल रहा था? मैं ना बहुत ही मैंने अपने टॉक्स में बोला मेरा जो चाइल्डहुड ना, मतलब मैं बड़े एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकला हूँ काफ़ी ज़्यादा। आई वॉज अ वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूल्स है ना, 11वीं कक्षा में जाके फेल हो गया। कॉम्प्लेक्स भी इसी कारण था कि यू नो आप जब हम जैसे पंजाब से नॉर्थ में, अब जैसे यहाँ पे गोरे चिट्टे रंग का होता है, आई एम लिटिल यू नो डार्क इन कलर, तो बचपन में थोड़ा और ज़्यादा थे, सांवले थे ज़्यादा। तो बचपन में फिर यू नो हाउ यू नो यंगस्टर्स कैन बी, देयर वेरी कोई मोटा है छोटा है, बुलिंग बहुत थी। तो आई वॉज बुलीड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ, मतलब यू नो बुलिंग की भी बड़ी अलग अलग डेफिनेशन है, बट यू नो हर बंदे की अपनी पर्सनल जो एक फीलिंग अंदर आर्किटेक्चर है अपने जो फीलिंग्स का, उसका इमोशन अलग अलग रहती है। सो मेरे को मतलब घर से आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जो मेरी वैल्यूज दी गई हैं, मतलब अनपैरेलल्ड टू दैट। बट एक स्कूल में जाके यू नो व्हेन यू आर गेटिंग इन टू टीम्स एंड व्हेन पीपल आर यू नो बुलिंग यू, एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट और हम लॉरेंस स्कूल सनार खेलने गए, आई वॉज फ्रॉम YPS मोहाली, एंड वन ऑफ my best 10 years I would say, because I owe a lot to that 10 years, right? Beshak usme bullying hui, but I made a lot of good friends. That platform was great. So, hum Lawrence School Sanawar khelne gaye, aur raat ke 2:30-3 baje the, mujhe na, matlab hum ek pitch dark, sare hum soye hoye the, us time pe. To, agle din humara match tha, I think around 7:30-8 baje ka match tha. To, mujhe 2-3 baje na, kuch awaazein aayi. Jaise mere seniors thay, under 14 mein tha, main under 14 या under 16 mein tha. तो मैंने ऐसे हाथ लगाया तो मेरे को लगा कोई यहाँ पे स्टिकी आया, तो मैं एकदम उठ गया, एकदम है ना उठ के मैं वॉशरूम भागा, मैंने कहा टूथपेस्ट लगाया था किसी ने मेरे मुंह पे। तो ऐसे इंसिडेंट्स ना, और 12-13 साल का जब बच्चा होता है, आई थिंक मुझे 13 ईयर ओल्ड, लगता है यही ज़िंदगी है ना। सो मतलब इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा मेरी अपनी पर्सनैलिटी में। सो आई डिडंट यूज़ टू स्पीक अ लॉट, ऐसे ही चलता रहा, मैं स्पोर्ट्स ही खेलता रहा। फिर जाते जाते वो इन्फेरिटी इतना हो गया कि 11वीं में फेल ही हो गया था, आई फेल्ड द क्लास 11th। सो मतलब मेरा ना जो अगर मैं स्कूल लाइफ की बात करूँ, दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट फेज। लाइक पीपल डू नॉट रिकोगनाइज सिमरप्रीत नाउ, जो मुझे चड्डी बड्डीज है मेरे है ना, वो मेरे को रिकोगनाइज नहीं करती यार ये क्या है ना, ये वो नहीं है। सो दैट वॉज फेज वन। फेज टू वॉज कॉलेज, व्हेन कॉलेज हैपेंड, एंड मुझे अभी तक याद है लाइफ चेंज हुई कॉलेज में।
यार पिताजी ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली जब चलो जब वो एक बड़ा डार्क फेज था लाइफ का. डार्क फेज हम ये बोलते हैं क्योंकि यार हर बंदे की स्ट्रगल अलग होती है और इंडिया में ना कहीं भी हमको ना स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करना बड़ा अच्छा लगता है. बट जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ मेरे से बहुत ऐसे होंगे जिनको बस जिनको रोटी ना मिलना भी स्ट्रगल हो सकता है, है ना. सो मेरी स्ट्रगल बहुत डिफरेंट होगी. मेरी वॉट आई हैव गॉन थ्रू वुड बी डिफरेंट, वॉट यू हैव गॉन थ्रू इज डिफरेंट. किसी को जो सुन रहा होगा जिसको दो टाइम रोटी तीन टाइम रोटी नहीं मिली वो बोलेगा यार क्या यार इसका तो स्ट्रगल कुछ नहीं मेरे आगे, राइट. सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. सो मैं मानता हूँ कि हर बंदे की अपनी जर्नी है, वो हर उसकी स्ट्रगल की डेफिनेशन अलग है. बट आई टेंड नॉट टू ग्लोरीफाई इट क्योंकि हर बंदा एक अपना अपनी स्ट्रगल से निकल रहा है. सो मेरे को इतना याद है जब चलो वो टाइम निकला जो भी निकला तो जब इंजीनियरिंग स्टार्ट होने वाली जब आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग 12वीं कक्षा में बहुत मेहनत करके पढ़ा तो मुझे ना पिताजी ने एक बात बोली कहते लाइफ एक बार मिलती है, है ना. लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है और वजूद उसका होता है जिसके पेट में ना फायर होती है, जैसे फायर इन द बेली. ही यूज द फर्स्ट टाइम फायर इन द बेली. एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ही लाइफ मिलती है, इसी को सीज करना. सो कार्प डाइम जिसको हम बोलते हैं सीज द अपॉर्चुनिटी. ये चार साल ना बहुत तेरे को बनाएंगे, तेरे को ऐसे पर्सनैलिटी बनाएंगे. पता नहीं वो सीज द अपॉर्चुनिटी मुझे अट्रैक्ट करगी या मुझे ये अट्रैक्ट करगी कि मैं ऐसे लोगों को वो मिलने जा रहा हूँ जो मेरे को 10 साल नहीं जानते थे, है ना. बिल्कुल ही डिफरेंट सेट ऑफ पीपल है. सो आई कैन बी माई सेल्फ. सो आई एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड विद माई सेल्फ. सो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज मतलब जो बच्चा 10 साल ओजस्वी भाई मतलब दो लोगों के आगे नहीं बोलता था वो मैं पहले दिन ओरिएंटेशन में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया 150 बच्चों के आगे. सो समथिंग फ्लिप्ड है ना. नेचर की कर्मा कह लो गुरु साहब की मतलब कुछ ना कुछ तो होता है नेचर का. इट इज अनएक्सप्लेनेबल है ना. सो मेरे कॉलेज काफी अच्छा गया इन टर्म्स ऑफ माय कॉन्फिडेंस है बिल्ड माय पर्सनालिटी. बट जो आपका क्वेश्चन था कि बिल्डअप क्या मैंने करना क्या था कुछ नहीं पता था यार. हमारे घर पे दो एक बिजनेस था बट कभी बात ही नहीं होती थी. आप मिले हो ना घर पे बिल्कुल सिंपल वही है. मुझे कॉलेज तक जब मेरी कॉलेज की इंटर्नशिप स्टार्ट हुई ना तब जाके मुझे पता लगा भी घर पे करते क्या है एक्चुअली में. सेम ना मतलब 11 12 तो ऐसे निकले मेरे भी कि समझो कि बस वो इंजीनियरिंग में भर्ती होना है तो ट्यूशनों में पेलते रहे. मुझे कुछ समझ में नहीं आया. मुझे कुछ समझ में नहीं आया सिमर पर्सनली क्या चल रहा है. बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुई. उसके बाद जाके ना समटाइम्स आपको माहौल मिल जाता है, आपको एक हल्का सा पुश मिलता है, आपको आपका एनवायरनमेंट बदलता है. तो बहुत चीज़ें ना आपके ट्रेड्स ऐसे बिल्ड होने शुरू होते हैं जो कभी हमने खुद भी नहीं सोचे होते नहीं सोचे. कि आज आप सोचो इंजीनियरिंग की मैंने फिर MBA की कुछ भी किया और आज सब मेरे को ये पूछते हैं यार आपने इंजीनियरिंग की MBA की और फिर आप फिल्म बना रहे हो. ये बड़ी अच्छी फेमस सेइंग है ना कि पहले इंडिया में लोग इंजीनियर बनते हैं फिर डिसाइड करते हैं करना क्या है ना. सो ये हमारी मतलब तो अगर आप एक कुछ पढ़ रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपको उस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या आप उस पर उसको आप अच्छे से फेस को कर लें. यार मैंने ये चीज डिसाइड की थी कि मैं जो इसमें आया हूँ इसमें लोन लिया है हमारे पेरेंट्स ने एटलीस्ट मैं उनके इयर्स ऑफ हार्ड वर्क जो उन्होंने मेरी एजुकेशन पे देखो वैल्यू एजुकेशन तो घर में मिली. करेक्ट करेक्ट. और वो जो फॉर्मल एजुकेशन है या लोगों से क्या डील करना है यार दोस्त मतलब ऑल टाइप्स ऑफ इमोशन जो वहां से मिले वो कुछ प्राइस उसकी भी होती correct, है. करेक्ट करेक्ट. सिर्फ वो मार्क्सशीटों की वो 100% है परसेंटेज और CGPAs की नहीं होती. एंड आई थिंक घर पे तो विजडम मिलता है यार. एजुकेशन तो मतलब आज देखो इन्फॉर्मेशन है ना. तुम्हारा मेंटर कौन है मतलब तुम किसको मानते हो कि यार ये He is the one who has given me the light. Kalam sahab या father sahab किसको कहते हैं? यार ये ना मतलब कि हर चीज के थोड़े different है. How do you define mentorship? Of course. Like मतलब so a person for example as simple as a person like Muhammad Ali है ना उसकी एक वीडियो देख के मैं इंस्पायर हो जाता हूँ. लाइक मेंटरशिप भी बहुत सब्जेक्टिव है. लाइक आपसे मैं बैठा हूँ वॉट इज अ मेंटर है ना. मेंटर आप किसे कुछ सीख सकते हो या आपको सिखा रहा है. सो मतलब मैं कई बहुत से लोग हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और उनको मैं मेंटर भी मानता हूँ. स्टीव जॉब्स इज वन है ना. ही इज समवन दैट हैज चेंज द इंटायर मतलब आज हम ये जो फोन स्मार्टफोन्स ही कर रहे हो. सो पीपल लाइक स्टीव जॉब्स पीपल लाइक किजिरो टोयोटा है ना द फाउंडर ऑफ टोयोटा जो टोयोटा गाड़ी बनाते हैं. ये हो गए फिर यू नो पीपल लाइक रतन टाटा है ना. पीपल लाइक मोहम्मद अली पीपल लाइक सचिन तेंदुलकर पीपल लाइक
मतलब ये ना मेरी बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मतलब आई लुक अप टू देम, है ना, अगर ये क्या बोल रहे हैं, कैसी चीज कर रहे हैं, अब तो कहीं नहीं भी रहे कलाम साहब, ऑफ कोर्स आई मेट हिम, तो आई कैन डू दैट. सो फॉर मी इट इज, मतलब मेंटरशिप भी बड़ी तरीके की है, आप किसी पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ को ओवरकम करने के लिए, या मे बी आपको इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एंड वो भी मेंटरशिप ही एक तरीके से. एब्सोल्युटली, आप किसी की कोई बुक पढ़ रहे हो ना, मतलब आई टेल यू, मतलब यू आर मेंटरिंग सो मेनी. सो आई रीड अ बुक ऑफ निकोला टेस्ला. So, आपने ट्रांसमिशन की बात की, ही इज द फाउंडर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी वजह से हम इधर बैठे हैं, मतलब नहीं तो ये एसी ना होता, ये लाइट नहीं चलती. ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने बनाया है, एंड ही डाइड बैंकक्रप्ट, है ना, मतलब क्योंकि उसने पेटेंट नहीं कराया, है ना. एंड व्हेन ही वाज आस्क्ड दैट व्हाई डिडंट यू पेटेंट ऑल्टरनेटिंग करंट, ही सेड दैट यू कैन नॉट पेटेंट द सन. मतलब ये ऐसे बंदे हैं ना, मतलब कि जैसे इलॉन मस्क भी जो कर रहा है. सो ये दीज आर वन सेट ऑफ, मे बी आप इनको मेंटर्स कह लो, आइडल्स बोलो, आई डोंट नो कि क्या टर्म है. सो दीज आर वन सेट. सेकंड सेट इज दैट यू इंटरेक्ट ऑन अ डेली बेसिस, दैट यू लर्न दैट यू नो हार्ड अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम हार्ड नॉलेज कहते हैं या कुछ है. ऑफकोर्स माई फादर इज यू नो अ ह्यूज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन व्हाट ही इज डन. आई डोंट हैव ए टिपिकल फादर सन रिलेशनशिप, जैसे कई मेरे दोस्त हैं वो डालते हैं फोटोज, है ना, वो फादर के साथ एकदम. मेरा यार थोड़ा रिलेशनशिप उनके साथ आज, अगर मैं 2021 में बैठा हूँ, क्योंकि हम एक वर्क स्पेस भी हम सेम कर रहे हैं ना, मतलब दो आर रोल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ही हैंडल्स अ सेपरेट प्रोफाइल, आई डू समथिंग एल्स, सो इट इज़ ऑलवेज मिक्सड, है ना, प्रोफेशनल पर्सनल मिक्स ही रहता हमारा. द शेयर थिंग दैट वॉट इज अचीव्ड, है ना, द थिंग दैट उनकी कई नेचर ऐसे पॉजिटिविटी है, दैट शेयर साइंस की भी यार आगे बढ़ो, है ना, तो वो चीज़ आपको करती है. बट आई डोंट शेयर अ वेरी टिपिकल रिलेशनशिप विच समटाइम्स आई फील मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द सेम लाइन बिजनेस में हम हैं. नहीं नहीं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं विच आर एक्चुअली फैमिली सेंट्रिक, एक्चुअली स्टार्टेड बाय वन जनरेशन एंड इट इज द लिनेज इज देन टेकन फॉरवर्ड. सबको ना बहुत आसान, सबको ना सिमर ये कहना बड़ा आसान लगता है, मतलब बहुत लोग कहते हैं यार तुम्हारे लिए तो आसान बड़ी स्टार्ट है. जैसे फिल्म इंडस्ट्री में वो नेपोटिज्म बोलना बहुत आसान है कि भाई मेरे को सिमर इज देयर, ही इज वर्किंग 24/7 और चैलेंजेस नेक्स्ट जनरेशन की मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल ज्यादा है. नहीं, आप एक बात तो सही है कि आसान की डेफिनेशन भी होनी चाहिए. हाँ. अब देखो आज हमें हटेक टावर पे बैठे हैं ना, आई स्टिल, और ये फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट, आई डू नॉट डाउट दैट, आई रिस्पेक्ट पीपल हु एक स्क्रैच से जीरो बिल्ड करना 100 तक ना जान निकल जाती है. हाँ. आज टुडे व्हेन आई जॉइंड ऑलमोस्ट 9-10 साल 2012 से, अब अगर मैं देखूं, आई डोंट हैव टू थिंक कि अच्छा वो स्टेशनरी कहाँ से लेके आनी, राइट, दैट किक स्टार्ट इज देयर, राइट, दैट प्लेटफॉर्म इज देयर, आई एक्नॉलेज दैट. देखो मतलब मैं ये बोलूँ कि नहीं यार मैं भी मेरे शुरू से वो सेम है, नहीं हो सकता यार वो, इट इज अ फैक्ट. आज कोई अगर मेरे साथ अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसके मतलब आई हैव मोर रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, राइट, उसके चैलेंजेस बहुत डिफरेंट होंगे, मेरे चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है. सो ऑफकोर्स एक स्टार्ट है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने जो टॉपिक की बात की, समटाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर. ये मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने बोला था कि जहाँ हमारे सपने यू नो खत्म होते हैं हम आपके स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसा कुछ लाइन थी किसी ने कोई बोली थी. अच्छा. हाँ, कोई ऐसी लाइन थी, बट वो फैक्ट है, बिकॉज समटाइम्स यू आर नॉट अवेयर, राइट, यू आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव अ प्लेटफॉर्म, राइट, एंड देन द चैलेंजेस आर वेरी डिफरेंट. एब्सोल्युटली, टू टेक दैट, वो आपको फाउंडेशन बन गया, बिल्डिंग खड़ा करनी, उसके चैलेंजेस अलग है. अब किसी को फाउंडेशन बनानी, उसके चैलेंजेस अलग है. Right, so in life, संघर्ष तो सबको ही करना है ना. सो आई एम अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, एंड दैट अवेयरनेस मेक्स मी, जो अपा पंजाबी च भी कहने मन नीवा मत उच्ची जब बात करते हैं, दैट सिंपल लिविंग, यू नो ह्यूमिलिटी, दैट अवेयरनेस लीड्स टू ह्यूमिलिटी, अवेयरनेस लीड्स टू groundedness. लोग बोलते हैं बी ग्राउंडेड, वन कैन ओनली बी ग्राउंडेड once that person is aware. उसको पता ही नहीं है जब कि ये रियलिटी है, है ना, जब अपने को पता ही नहीं कि वी आर, जब ग्राउंडेड बंदा कब होता है, जब ये पता लग जाए कि वी आर जीरो, आईओटी ऑफ द गैलेक्सी में देखे तो हम दिखेंगे भी नहीं, है ना, अर्थ नहीं दिखता यार. जब वो एक आजकल पिक्चर कितनी वायरल होती है ना, वो अर्थ गैलेक्सी का वो उन्होंने लिया हुआ है, मिल्की वे का, और मिल्की वे छोटी सी लग रही है, राइट, उसमें अर्थ है, उसमें जाके कितने प्लैनेट्स है, एंड उनसे हम अपने को बोलते हैं मैं ही मैं हूँ, है ना, फिर उनको पता लगता है वी आर नथिंग. सो वो अवेयरनेस है. लोग बोलते हैं कि ग्राउंडेड ऐसे नहीं बनता, ग्राउंडेड जितना बंदा वेल रेड होता है ना, जितना और विजडम आता है, हम बोलते हैं कि जो इतना बड़ा बंदा पहुंच गया और बड़ा ग्राउंडेड है, बिकॉज दैट पर्सन इज अवेयर, अवेयर है कि यार कुछ नहीं रखा इन चीजों में. सो अगेन कमिंग टू दैट, कि
ये चीज़ें यार मैटर करती हैं. आई थिंक आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट. सो आई थिंक टॉकिंग अबाउट जो आपने मेंटर्स की बात की, सो आई थिंक माय फादर, देन हमारे बोर्ड पे देर आर कपल ऑफ पीपल. मिस्टर स्वरणजीत सिंह चटवाल हैं, ही इज अगेन अ वेटरन इन द पावर इंडस्ट्री. ही इज वन ऑफ आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ही इज आई कंसिडर हिम एज ए मेंटर, एक गाइड, एडवाइजर. आज की जनरेशन की बात करते हैं सिवर. आज की जनरेशन इतने दे आर कमिंग अप विद गुड आइडियाज, यू नो दे हैव द ज़ील. और वो आप से कितने लोग कनेक्ट करते हैं, यू नो, फॉर मेंटरशिप, कि आप हमें गाइड करो, वी आर फेसिंग सच एंड सच प्रॉब्लम इन रनिंग आर एंटरप्राइज, एंड व्हाट काइंड ऑफ, यू हैव टू रियली स्कोप मी आउट सम फनी इंस्टेंसेस टू बिगिन विद, कि बहुत बट ऑब्वियस भी हो सकती हैं, बट सम फनी इंस्टेंसेस व्हिच यू एंकर. सी यार मेरे साथ मतलब सीरियस नहीं, सिमर नहीं, सीरियस वाली तो बातें बहुत होती हैं. सी सीरियस इन द सेंस, लेट मी पुट इट आउट वेरी क्लियर, सिमर मतलब फोर्ब्स 30 अंडर 30 में है, तो ही हैज डन कमेंडेबल वर्क इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री एंड स्पेशली इन रूफटॉप सोलर. खुद ही जाते हैं हर जगह एंड सब छतों पे चढ़ जाते हैं, जहां आम आदमी के चढ़ने की बस की बात भी नहीं होगी वहां पे भी जाते हैं और ये अपना काम करते हैं. टाइमली कमिटेड एंड बहुत बड़ा एंटरप्राइज इन्होंने बिल्ड किया है. सो क्या नए नए मतलब किस्से आते हैं आपके पास? सो आपने जैसे बात की, आई थिंक टिल 2018-19 तो यार जैसे अपना संघर्ष बंदा करता है, इतनी अवेयरनेस नहीं थी. सिमरप्रीत करके कोई लड़का है, वो भी चंडीगढ़ में है ना, अपने वैसे मोहाली चंडीगढ़ इतना कवर नहीं होता इन टर्म्स ऑफ जो जैसे दिल्ली है या बॉम्बे में या बैंगलोर, तो चलो अब स्टार्टअप सिलिकॉन वैली कहते हैं इंडिया की, है ना. तो 2018-19 तक तो मतलब आई वाज ठीक है, अपने चले हुए हैं. आई थिंक यू राइट, जब जनवरी 2019 में फोर्ब्स हुआ, फोर्ब्स 30 अंडर 30 एंड दैट टू एशिया, मैंने 30 अंडर 30 एक बार उजस्वी भाई सुना था, एचटी का आता था हिंदुस्तान टाइम्स, और मैंने 2013-14 में बोला यार भाई भाईगुरु एक दिन इसमें कभी कुछ करवा दियो, क्योंकि आई विल बी लाइंग इफ आई से दैट अवार्ड्स आपको खुश नहीं करते, खुश करते हैं, बट उसके बाद मतलब वही जिंदगी नहीं है, आपका काम, आपका संघर्ष सब कुछ है ना. तो लाइफ ऑफकोर्स चेंज, अवेयरनेस इतनी लाइमलाइट आपको मिली जब, क्योंकि एंड दैट वाज एशिया, एंड पूरे एशिया में से फिर आप इंडिया को आप जब बोलते हो, फिर इंडिया में से जब पंजाब को बोलते हो, तो आई वाज दी ओनली वन राइट फ्रॉम माय सिटी. यस, एंड बहुत लोगों ने प्यार दिया. मतलब 3-4 महीने तो मतलब आई वाज ऐसे हो रहा भैया हो क्या गया, एकदम सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग. ऑल यू नो ऑल रेडियो स्टेशंस, ऑल न्यूज़पेपर्स वर कंटिन्यूसली राइटिंग, बिकॉज आई फील दैट, एंड मोहाली में आज हम बैठे हैं, आई फील आई ओ इट अ लॉट टू दिस सिटी. मैं मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ है, मैं मोहाली में रह रहा हूँ, मतलब पूरी जिंदगी में रहा हूँ. आई थिंक मैं अब यहाँ से शिफ्ट होके बैंगलोर चल जाऊँ, मेरे को पढ़ाई इस शहर ने दी, मुझे दोस्त इस शहर ने दिए, मैंने जगह यहाँ बनाई है ना, और अब मैं बैंगलोर चले जाऊँ या दिल्ली चले जाऊँ कहीं और चले जाऊँ, आई फील इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू माई सिटी, है ना. सो मेरे को उसके बाद बहुत प्यार मिला, बहुत जगह पे सडनली आई वॉज कॉल्ड एज ए गेस्ट, है ना, सडनली वो चीज़ें बनी. सो आई थिंक पहले 3-4 महीने तो बहुत अटेंशन मिली, बट देन आई फेल्ट दैट माई मदर यू नो सेड अ वेरी वंडरफुल थिंग, जो हम मन नीवा मतुच्ची की बात कर रहे हैं, एंड शी सेड अ वेरी वंडरफुल थिंग कि जब लोग आपको ऐसे पूछने लग जाए ना, तो जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, है ना. जो गाइडेंस जो क्वेश्चन है ना, तब तक तो कोई पूछता ही नहीं था. वेन यू मेक इट, देन पीपल से अच्छा अब ये मेक इट कर गया तो कोई इसके पास फॉर्मूला होगा, तो ओनली शॉर्टकट टू सक्सेस इज हार्डवर्क. ये बाद में पता लगता है, एक ही शॉर्टकट है ना. तो ये बाद में पता लगता है. सो ये मतलब मिड 2019 में स्टार्ट हुआ. सो आई थिंक जैसे सोशल मीडिया पे, जैसे लिंक्डइन इज प्लेटफॉर्म दैट आई एम वेरी एक्टिव ऑन, वहाँ पे बहुत प्यार मिलता है, बहुत चीज़ें करते हैं. सो ऐसे यार फनी इंसिडेंट तो क्या ही है, मतलब आप करते हैं, लोग मैसेज करते हैं दैट दे वॉन्ट मी एज अ मेंटर और डायरेक्टर और को फाउंडर और थिंग्स लाइक दैट. बट या मतलब यार आई एड्रेस जितना मैं उनको रिप्लाई कर सकता हूँ, आई ट्राई टू रिप्लाई टू दैट. एंड कई बार लोग गुस्सा ही कर जाते हैं, है ना, मतलब मैं उसको फनी इसलिए करता हूँ, बंदे को रिप्लाई कर दिया एंड वो फिर रिप्लाई कर रहा है कुछ चीज़ पे, आप वो पूछ रहा है, आप फिर रिप्लाई कर रहे हो, फिर उसके बाद आप अगर नहीं रिप्लाई करो, फिर कई बार आ जाता है जी आप हूँ तुसी वड्डे बंदे हो गए हो जी, हूँ तुसी बुलाऊंगे नहीं, है ना.
इसी को फनी कहता हूँ, मेरे को लगता है वो भी ठीक है अपनी जगह में, बिकॉज वो अपनी जर्नी के साथ निकल रहे हैं एंड मेरे को अपनी जर्नी पे अपना काम करना है. बट आई थिंक लोग करते हैं अप्रोच लिंक्डइन पे एंड आई ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल. इंस्टाग्राम पे भी करते हैं मेजॉरिटी लोग, तो बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट हायरिंग. मैं चाहता हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा मिशन भी है हर टेक में मेकिंग योर फ्यूचर पावरफुल, आई फील दैट पंजाब को या इंडिया को जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं ना, मैं उसमें बहुत पैशनेट हूँ. सो एनीबडी हु इज़ पैशनेट अबाउट सस्टेनेबिलिटी, वही कलाम साहब वाली बात, क्लाइमेट चेंज के पैशनेट है, इंडिया के बारे में पैशनेट है, तो आई वॉन्ट देम टू यू नो कि मैं उनको अपनी टीम में लेके आऊँ, है ना, और उनकी टीम में आके उनसे मैं सीख सकूँ कुछ चीज़ें और काम हम बढ़ा सके, अपनी मिशन के पास काम कर सके. सो सिमर, इस बार आपने पेंडेमिक में, मतलब जब वेव सेकेंड वेव इंडिया में हिट की, तो बहुत लोग अगेन जॉब से निकल गए और बहुत लोगों को ऑक्सीजन शॉर्टेज रही, और उस दौरान बहुत लोग सफ़र भी किए हॉस्पिटल्स में. और मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ नोटिस की कि सिमरप्रीत ने अपने लिंक्डइन पे, फेसबुक से बहुत जगहों पे इन्होंने पोस्ट किया कि इफ़ एनीबडी नीड्स फूड वी विल प्रोवाइड यू, एंड द जॉब वॉज appreciated by everyone and especially जो district commissioner हैं SAS नगर मोहाली के, उन्होंने भी एक thank you note लिखा. मैंने I read that. तो सिमर, कैसे आपने सारा mobilize किया? सेवा की जो भावना है, मतलब ये हमारे अंदर है, but ये पूरा mobilize करना कि door to door car जा रही है और आप meal packets दे रहे हैं लोगों को, how much volume did you could cater? Right, so मतलब अगर जब हम when we look at our Sikhism also, है ना, yes. तो लंगर इज आई थिंक अ कॉन्सेप्ट दैट इज अप्रिशिएटेड ग्लोबली, राइट. मतलब लोग उसको फ्री फूड कह लें, फ्री किचन कहते हैं, जो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया आज से ऑलमोस्ट 500 साल हो गए, हाँ 500 साल या इतने साल पुराना है जब लंगर का कॉन्सेप्ट. आज भी हम देखते हैं, अगर हम लंगर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा फिलोसफिकली देखें ना, इट इज़ नॉट फ्री फूड. इफ यू एक्चुअली गो डीप डाउन, इट इज free food you're getting, you're sitting on the ground regardless of who you are, regardless of your caste, creed, religion, culture, skin color, whatever you are whatever money that you are, you still sit on the ground and you have that same food. Aisa nahi hai ki aapko kuch alag mil raha hai, mere ko kuch nahi alag mil raha. Just to think of that when it started, itne saal purane, jab itna you know casteism tha, kuch tha, aur wo start karna us time par, aaj tak chal raha hai. When you actually go deep down into the concept of langar, it is just amazing. And mujhe lagta hai ki jab bhi ye bhi jo aapne mujhe aaj diye bhi platform hi hai, mere ko koi platform jab bhi mile na, aur maine socha hua hai ki भगवान की कभी कुछ पहुंचेंगे कोई और जगह में ना, मैंने लंगर की बात मैं ज़रूर करूंगा, बिकॉज यू नो इट सिग्निफाइज ह्यूमनिज्म, लाइक ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं. वो खाना नहीं है, खाना तो बाई प्रोडक्ट है, खाना तो वैसे ही मिल रहा है, वो बता रहे हैं कि सब इक्वल है. हमारे 11 जनवरी 2021 को हटेक ग्रुप के 30 साल हुए, तो 11 जनवरी 91 को कंपनी बनी थी और 30 साल हुए. सो हम बैठे थे एंड हम सारे सोच रहे थे क्या करना है, हाउ डू वी सेलिब्रेट 30 ईयर्स एंड ऑल दैट. तो मेरे मदर कहते हैं जो कि शी इज़, वी कॉल हर एज द को फाउंडर ऑफ हटेक, क्योंकि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा है इस ऑर्गेनाइजेशन में. तो उन्होंने बोला कि यार कुछ सेलिब्रेट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, लेट्स इट्स टाइम टू गिव बैक टू कम्युनिटी. तो कहते कि जब आपको 30 साल गुरु ने दिए ना, जब आपको जिसने भी दिया, अब टाइम है जितना भी है ना वो वापस देने के लिए. दैट इज वेयर हटेक फाउंडेशन वॉज बिल्ट, राइट. सो ये हमारे हटेक फाउंडेशन वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ आर 30 ईयर्स. लोग पार्टी करते हैं, हमने कोई पार्टी नहीं करना, हटेक फाउंडेशन वुड बी बिल्ट एंड वी ऑल जितने भी हम लोग हैं पुल्ड इन सम अमाउंट एंड वी पुट इट इन दैट फाउंडेशन. तो ये हमने जनवरी में बनाई, फरवरी में हमने थोड़ा सा वो बनाया, मार्च में हम सोच रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर अनफॉर्चुनेटली द यू नो द फेज टू और वट एवर हैड हैपेंड, है ना, कोविड का सेकेंड वेव आ गया एंड सडनली वी थॉट ये क्या हुआ है. मतलब सेकेंड वेव वॉज वेरी रूथलेस, इट वॉज वेरी बैड. एंड अप्रैल मिड में जब दिल्ली वॉज एट इट्स पीक, है ना, अप्रैल एंड में लाइक हमको भी डर लगने लगा. लाइक फेज वन इतना डर नहीं था, लाइक मतलब डर था बाहर जाने का, यहाँ तो पीपल वर लूजिंग देयर लाइफ एंड आई डोंट नो एनी फैमिली दैट इज वॉज नॉट अफेक्टेड. किसी का चाचे का लड़का, किसी की मासी की बेटी, किसी कोई ना कोई अफेक्टेड था, सारे के सारे बंदे ये जो वेव टू में.
तो हमने बड़ी सिंपल से हमने भाई यार हटेक फाउंडेशन हमने की, इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, और वही चीज़ याद आई लंगर, वही चीज़ आई सेवा। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में अभी भी ओजस्वी भाई आप इस शहर से हो, आपको पता है कि बहुत यहाँ एक कैटेगरी है लोगों की जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके बच्चे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर हैं, यूके में बैठे हैं, जो अकेले हैं, कोठियाँ उनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन रहने वाले सिर्फ मियाँ बीवी हैं, 60 साल का कोई, 70 साल के वो रहने वाले हैं। तो हमने बड़ा सिंपल ये स्टार्ट किया दो चीज़ों का, जब ये वेव टू आई कि जी जिसको भी कोई भी अगर कोविड इफेक्टेड, अब कोविड इफेक्टेड में अगर एक बंदा इफेक्टेड है तो सारे इफेक्टेड हो जाते हैं नॉर्मली, तो खाना वो कोई नहीं बना पा रहा है, या एक भी इफेक्टेड है, या कोई अगर कोई सीनियर है, तो उन्होंने बोला कि जो भी कोविड इफेक्टेड कोई होगा या कोई सीनियर सिटीजन है ना, तो उनको हम खाना फ्रेश होम कुक्ड फूड, दाल चावल, जो भी कोविड जो में जो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, हेल्दी फूड बैलेंस डाइट, हम आपको घर तक पहुँचाएंगे। बड़ा कॉन्सेप्ट हमने तो बनाया नहीं, कॉन्सेप्ट तो गुरुए ने बनाया लंगर का, हमने तो उसको बोला हम करेंगे। मतलब आप मानोगे नहीं यार, जब हमने एक्चुअली स्टार्ट किया तो हमने कहा चलो 5-10 घर आएंगे करेंगे, 15 हुए, 20 हुए। मैं थोड़ा सा भावुक आदमी हूँ आपको पता है, मैं थोड़ा खो जाता हूँ जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। हमको ना यार फ़ोन आने लग गए, ये मैं बात करूँ 15 दिन व्हेन वी वर डीप इनटू, व्हेन वी वर सब गिविंग मोर देन 500-2000 तक हम जब पहुँच गए थे है ना, मतलब वेर आई गेट इमोशनल ऑल्सो एंड मैं थोड़ा आई ब्रोक डाउन व्हेन दैट फोन केम। फोन आता है जी एंड दैट लेडी वॉज क्राइंग है ना, मस्ट भी बात करने से जब समझ आया तो शी वॉज इन हर 50s एंड वो रो के कहते कहते जी तुसी मेरी, मैं ऑस्ट्रेलिया तो गल कर रही हैं शायद, हाँ तो कहने जी तुसी मेरी माँ नू रोटी दिती है जी, आई कैन लाइक शी इज़ दी, मतलब मेरी कल्ली मदर है, मेरे फादर की डेथ हो गई है एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग, उन्होंने कोविड होया पे एंड तुसी उन्होंने रोटी पहुँचाई जी 7 दिन। आई डिड नो हू दैट लेडी वॉज, आई डिड नो कौन माता जी से जिन्हें घर जा रहा है। ऐसा लड़ी बन गई थी वो, जो पटाखे नहीं जलाते जो एक बनता तो ऐसे ऐसे, मतलब इट वॉज अनरियल यार द काइंड ऑफ लव दैट वी गॉट। एंड कॉन्सेप्ट तो क्या था, लोग जुड़ते रहे यार, वॉलंटियर्स जुड़ते रहे, मतलब फ़ोन हमको जम्मू तक आ रहे थे कि जी आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, हम जुड़ना चाहते हैं। सो आई डोंट नो हाउ इट स्टार्टेड यार, बस कर दिया, हो गया, लोग जुड़ते रहे, इतना प्यार मिला। आपने गिरीश जी की बात की जो DC मोहाली हैं, और कितने लोगों ने इतना प्यार दिया, मतलब एक, मतलब आई कॉन्ट टॉक अबाउट दैट यार। मतलब एक इनिशिएटिव वो किया, फिर हमने कोविड का जो सीनियर सिटीजन्स का था, हमने एक और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। ऐसे ना थे ये प्रॉब्लम पता नहीं, सबको थी पता प्रॉब्लम, हाँ। कोई कुछ कर नहीं रहा था। ऑक्सीजन बहुत अच्छे हमारे भाई लोग थे जो काम कर रहे थे, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स पिलाना, हमने बड़ी बेसिक चीज़ें पकड़ी, खाने का एक बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जो सीनियर सिटीजन्स वैक्सीन लगवाने नहीं जा पा रहे थे, अब एक मियाँ भी अगर 75 साल के कोई कपल रह रहा है, वो गाड़ी चला के वो वैक्सीन कर रहे कैसे करेंगे, हमने स्टार्ट किया कि जी आप अगर सीनियर सिटीजन हो, आपको अगर अपना वैक्सीन लगवाना है, हम फ्री पिक एंड ड्रॉप करेंगे। बड़ी छोटी चीज़ है, कोई बहुत हम महान नहीं हो गए करके, बड़ी छोटी चीज़ है। सो अगेन इट कम्स फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट कि जी शहर ने प्यार दिया है इतना ज़्यादा। 50 बेड हमने एक हॉस्पिटल, एक गुरु ग्रंथ साहब सेवा सोसाइटी है, 13 ही 13 करके सबरवाल वीर जी हैं, उनके साथ मिलकर हमने एक 50-bed हॉस्पिटल थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट वो किया। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत की है, मतलब इट इज़ लाइक नॉट आई, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू टॉक अबाउट दैट मच, बिकॉज हमसे ज़्यादा भी कितने लोगों ने कितनी सेवा की है। सो सेवा इज़ समथिंग दैट आप बस करते हो, है ना। बट एज यू आस्क मी यार, इट मतलब क्या बोले यार इसको, है ना, नहीं मतलब बस ये आ रहा है और जा रहा है, जरिया है, इस जरिया है, करेक्ट, एज यू राइटली सेड वी वर जस्ट, तो कभी कभार जैसे होता है ना कि कोई चीज आप, होता है मेरे साथ भी कभी कभार, मैं कोई चीज प्लान कर रहा होता हूँ और मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ और वो उसके बनते बनते कुछ और चीज आ जाती है और वो हो जाती है, तो उस वक्त मुझे लगता है कि शायद इस काम का होने का मैं एक जरिया था। सिमर जब 1000 लोगों के लिए, 1500 लोगों के लिए खाना बन रहा था, मतलब जब आपने ये, आपने खाना कहाँ कैसे बनाया इतना खाना, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि होम कुक फूड की जब आप बात कर रहे हो कि 15-20 घरों घरों से ये बात शुरू हुई और फिर ये इतने हजारों में पहुँच गई, तो हाउ बस अगेन एज ए टेल यू दैट जरिया नहीं, मतलब ये आपने खाना कैसे बनाया है यार, लोग जुड़ते रहे। ओजस्वी भाई मतलब हमने कोई किचन आइडेंटिफाई की, एक मैडम हैं अपने पंचकुला मनी माजरा में, वो हमारे साथ जुड़े जी। कुछ किचन थी यहाँ पे मोहाली में, है ना, वो साथ जुड़े। मतलब इट इज़ यू नो व्हेन आई रिलिव दैट टाइम,
when you mentioned about LinkedIn and other things, when I just relived it last 2 months and I just pray ardaas karte hain ki dobara time na aaye, because it was a very bad time everybody went through. Everything just happened. Yes. But when I look back today, jo kitchens, jo bhi log judte rahe, ji hum 200 de dange, ji assi 100 da de dange, assi ye kar dange, right? Of course, we were, matlab hum unko, to jo bhi unke charges the, wo bhi kaafi zyada, matlab they were also very gracious enough ki ji, jo hum 100 rupaye ki plate dete hain, 150, hum aapko sirf 50 mein karenge, because hum aage to free kar rahe the, hum to langar hi kar rahe the. So, log judte rahe, us sense mein. And, matlab, at that time, the main idea was that ki, अगर मुझे कोई फॉरवर्ड भी आता था ना कि यार अच्छा ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ऑन माई लिंक्डइन देर आर लॉट ऑफ पीपल दैट फॉलो मी, मैं साथ के साथ डाल देना उस चीज़ को, किसी को दवाई चाहिए वो डाल देना, किसी को कुछ करना वो भी था. एक बड़ी अच्छी पोइम दी थी कि संबन, थैंक दैट संबन, है ना, वो बड़ी अच्छी पोइम चली थी उस टाइम पे, दैट कि वो किसी ने किसी के कहने पे किसी ने कुछ कर दिया. बहुत लोग, अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे वो बाद में मैसेज करेगी आपने ये पोस्ट 20 दिन पहले लिखी और वो मैंने किसी को फॉरवर्ड की और किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँच गया. सो आई थिंक, मतलब इसको मैं इंजीनियरिंग के साथ जोड़ना चाहता हूँ, साइंस के साथ, कि न्यूटन का थर्ड लॉ है. न्यूटन का थर्ड लॉ ना, एक्चुअली न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा भी है. एवरी एक्शन इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, है ना, तो वो लॉ ऑफ कर्मा है बेसिकली. सो इट इज दैट आप यूनिवर्स में अगर आयो, हम जब से आयो जो इसमें ले रहे हैं ना, इस नेचर से ले रहे हैं. पहले बच्चा आता है, माँ का दूध लेता है, कुछ भी लेता है, हम इस सोर्सेज लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं, दे तो कुछ भी नहीं रहे. सो आई थिंक दैट अवेयरनेस वंस इट कम्स ना, कि यार आवर पर्पज, और मैं ना यार काफ़ी हद तक, मतलब मेरा फंडा लाइफ का ना काफ़ी हद तक क्लियर है. सस्टेनेबिलिटी, वेदर एनर्जी, वेदर मोबिलिटी, वेदर फूड, एक तो वो फंडा है, और दूसरा है कि मतलब कुछ दे के जाना है यार, मतलब लेके नहीं जाना चाहता मैं. मतलब आपने शुरुआत में लेके जाएगा क्या, है ना, कुछ क्या लेके जाएगा. So, जो है जाते जाते विल लिख जाते हैं बच्चों के नाम, इसके नाम, ये कागज इसके नाम, ये चेक इसके नाम, ये गाड़ी उसके नाम, जो चीज वर्ती है वो आप ले जा तो सकते ही नहीं. करेक्ट. सो उसको देखे जाना है आपने. सो आई थिंक दैट सेंस हैज ऑलरेडी कम इन मी इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, यार अब ना कुछ तो होगा ना. मतलब मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी हूँ, मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ, बट मैं स्पिरिचुअल थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता हूँ. मुझे लगता है कि यार वाई मी, है ना, why I was selected in Forbes, why I was selected in top 100 most powerful Sikh in the world, why? कुछ तो सोच रहा होगा ना ये creation, ये जो energy, उस energy को कुछ भगवान बोलते हैं, कुछ energy को science बोलते हैं, अलग अलग terms है, अपनी अपनी भावना है. मैं उसको energy देखता हूँ कि कोई तो energy है ना जिसने सब कुछ बनाया, आपको बनाया, मेरे को बनाया, कुछ तो है. कुछ energy ने मेरे को कलाम साहब को मिला होगा, है ना, ये मैं बोलूँ कि मैं मिला कलाम साहब से. ये सब ना हमारी कनेक्टेड है, fate की कड़ियाँ हैं. करेक्ट. ये जो हमारी डेस्टिनी है ना, ये सारी चीजें, ये टेस्ट होता रहता है बीच बीच में. करेक्ट. कि मेरे मदर हमेशा कहते हैं सिमर, क्योंकि हम फिलोसफिकल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, वो कहते हैं कि ना भगवान उन्हीं को चैलेंज देता है जिसको पता है भगवान को कि ये काबिल है उसको हैंडल करने का. करेक्ट. या वो एक चैलेंज भी फेंक देते हैं और कह देते हैं कि अगर ये पार कर गया तो ये अगले बड़े चैलेंज के लिए तैयार है. इट्स लाइक क्लियरिंग द लेवल. बिल्कुल बिल्कुल. कभी कभार आप लाइफ में बहुत बड़ा एम करके बैठे होते हैं, बट एक चैलेंज आ जाके खड़ा हो गया, उसे पार नहीं किया तो एम भी नहीं. मेरा ना बुजुर्ग एक बड़ी अच्छी बोलते हैं कि जब आप अरदास करो ना, ये ना बोलो कि जी मेरे को आप अच्छा कराना, ये आप अरदास करना कि मुझे इतना तगड़े बनाओ कि कल कोई भी मेरे पास चीज आए मैं उसको सामना कर सकूं. राइट. ये अरदास करनी है तो ये चीज अरदास करो कि मेरे में इतनी काबिलियत आप लेके आओ कि कल कोई भी चीज आ जाए ना मैं उसको कर पाऊं. क्योंकि अच्छा बुरा टाइम तो आना है, साइनोसोडल वेव है. yes. हम बात करते हैं तो ऊपर नीचे तो आना ही है. वो जब वो नीचे आएगा ना, आपका किरदार टेस्ट होता है कि आप में कितनी दम है ना, वो दम कितना है. कि अगर आप वो सरफेस के बंदे हो कि आप पूरा गैर पानी देखा हुआ है आपने, सो वो जज है. और लाइफ इज ऑल अबाउट दैट कि आपका किरदार क्या बोलता है. सो आई थिंक मतलब यही है. और जितना हम बात करते हैं टुडे, आज आपके प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, आपका करेक्टर टेस्ट होता है जी हर टाइम पे. बंदा बोलता है जी करेक्टर की बात करता है, मैं बहुत ज़्यादा किरदार को, करेक्टर को, आपकी एक पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा, मतलब उसको मैं ना फर्स्ट पे रखता हूँ. फॉर मी इट इज़ द नंबर वन थिंग दैट आई लुक इन अ पर्सन, वो ही मैटर करता है. और सब कुछ तो सरफेस है, फिर तो हवा की बातें हैं. सिमर वक्त लगता है कहीं घूमने वूमने जाने का? सच बताना कि बस साइट पे जा रहे हैं और घर आ रहे हैं. कैसो आई टेल यू आपने शुरुआत में पूछा कलर के बारे में ना, सो मतलब आई एम एक्चुअली कलर ब्लाइंड. ठीक है, मैं थोड़ा कलर ब्लाइंड हूँ, थोड़ा मैं लेजी भी हूँ. मुझे होता है कि आज आपने मुझे सुबह एक बड़ी मुश्किल कड़ी में डाल दिया है कि तू दो टी शर्ट लेके आई हो. ठीक है,
अब मैं डालता ही यही हूँ यार, यहाँ मैंने कोई शर्ट डाल लेनी है और ये मैं पगड़ी क्योंकि कोई प्रेस नहीं तो मैंने डाल ली है ना, और मैंने क्रॉक्स डाले और जीन डाली है। सो मुझे टेबल के नीचे बहुत कुछ ढका हुआ है हमने। नहीं नहीं, मैंने पूरा जीन जीन पूरी डाली है। एक्चुअली मुझे शौक नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि टाइम नहीं लगता, दिस इज देखो क्या शौक है सिवाय सोलर के और लोगों को मेंटर करने के और सेवा करने के, कोई कोई है शौक की भाई कुछ? नहीं, ट्रैवल का मुझे शौक है, लाइक आई लव एक्सप्लोरिंग प्लेसेस। मतलब मुझे बहुत शौक है कि ऐसी जगह जाना जहाँ मैं कभी नहीं गया। सो मैं साउथ कोरिया गया हुआ हूँ, है ना, जापान गया हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि लोग गए नहीं है, बट मतलब लोग जाएंगे कनाडा जाएंगे, इंटरनेशनल प्लेसेस। हाँ, ये वियतनाम हो गया, ऐसी जगह हो गई है ना, तो मुझे ये पसंद है। कहाँ कहाँ गए? साउथ कोरिया के, जापान के, और हाँ जी वियतनाम में गया हूँ। मतलब ये एक मतलब नॉन कन्वेंशनल कह सकते हो कि कुछ खाना पीना क्या है यार? मैं ना सो वेजिटेरियन नहीं, वो सेम वेजिटेरियन, में अंडा भी नहीं खाता। अब प्रॉब्लम क्या, खाना वाना तो चलो अलग चीज है, बट जब हम ट्रैवल की बात करते हैं ना, आई थिंक आपने जब पूछा कि पसंद क्या है, आई लाइक मतलब इंडिया में भी अब कोई ऐसी जगह जो मैं नहीं गया ना, मुझे बहुत वो पसंद करते हैं। वो एक छोटा सा गांव भी हो सकता है ना, मतलब मेरी लाइफ में 2015 में मैं एक गांव में रहा हूँ आंध्र प्रदेश में, हमने सोलर पावर प्लांट बिल्ड करे थे, वो 6 महीने का जो संघर्ष था, वो 6 महीने में जो सीखा उन्होंने वो 10 साल में नहीं सीखा। करेक्ट, राइट। सो मुझे लगता है ट्रैवलिंग इज, जैसे आपने मुझे पसंद किया, मुझे थेरेप्यूटिक फॉर यू। हाँ, मुझे रिजुविनेटिंग फॉर यू। करेक्ट, और इट ब्रिंग्स यू अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। मुझे फ्रेश पर्सपेक्टिव तो पक्का ही मिलता है। रिजुविनेट कई बार नहीं भी कर पाए, कुछ फोन चलता रहता है तो वो कई बार मतलब यू कैनॉट लाइक इट इज इम्पॉसिबल। लोग बात कर रहे हो जैसे भाई डिटैच करना, मैं डिटैच मुझे नहीं समझ नहीं आता यार। एग्जैक्टली, लाइक डिटैच का क्या मतलब होता है यार? आप या तो इन्वॉल्व हो या तो नहीं हो। सो मुझे ना ठंडा गर्म समझ आता, कोसा नहीं समझ आता। आई डोंट अंडरस्टैंड लूक वार्म। ये पक्का किसी मेरे डायलॉग में जाएगा कि मुझे ठंडा गर्म नहीं पसंद समझ आता, मतलब ठंडा या गर्म समझ आता, कोसा नहीं समझ। मुझे लूक वार्म समझ ही नहीं आता। सो इट्स लाइक आई एम, मेरा जो अंदर बना ही ना सिस्टम जो नेचर ने बनाया है, मुझे ब्लैक व्हाइट समझ आएगा, मुझे ग्रे समझ ही नहीं आता। सो लाइक व्हेन पीपल से दैट टेक अ चिल पिल, है ना, जस्ट डिटैच, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, है ना। या तो अटैच हो, या अब आप बोलोगे अपने माँ बाप से डिटैच हो जो, है ना, कैसे हो सकते हो? या कोई दोस्त के साथ, या किसी के साथ भी कैसे हो सकते हो? यू कैन नॉट बी, है ना, आइदर यू अटैच्ड विद समवन और आइदर नॉट अटैच्ड, है ना। सो मैं जब आप शौक की बात करें, ट्रैवलिंग इज वन। सेकेंडली आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, कंटेंट देखना बहुत पसंद है, राइट। मैं उसको भी मानता हूँ, बिकॉज ऑन कंटेंट विच इज नॉट जो रील्स बनती हैं, जो मतलब 15 सेकंड की जो चीजें स्पैन है, गुड कंटेंट लाइक घंटे का पॉडकास्ट, है ना, 1.5 घंटे किसी के बारे में से अच्छा कंटेंट अगर नेटफ्लिक्स ने लेके आया है, मतलब अच्छी चीजें जो आपको लगे हो यार ये बन रही है ना, फिल्म देखनी, मतलब अगेन आपकी चलो लाइन है, अच्छी बुरी तो कोई नहीं चीज होती है, आपने वीडियो भी की हुई है, बट मेरा टेस्ट थोड़ा होता है जैसे ऑन हिस्ट्री, लाइक मुझे ना हिस्टोरिक सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये 2-3 चीजें मुझे, और खाना खाना पसंद है, वेजिटेरियन मिल जाए मेरे को, चल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ और मैं आने वाले एपिसोड में बोलूंगा कि कोई पंजाबी वगैरह खाने के, हाँ वो तो यार, वो तो मतलब आज राजमा चावल खा के है ना, संडे। So I think that is something that और आते ही पहले ऑफिस में कहा कि आप क्या खाओगे? कहा अभी हम खा के आए हैं और अभी खाएंगे। यार मतलब ठीक है, इसके लिए तो जी रहे हैं ना, मतलब ये चीजें तो बेसिक चीजें हैं। यार 2-3 चीजें हैं फिल्मों का, यही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई फिल्म अच्छी या बुरी नहीं है, क्योंकि कोई भी देखो आदमी लैक्स या करोड़ ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करके कंपनी कोई ऐसी चीज क्यों बनाएगी कि वो जिससे खुद ही कन्विंस नहीं होगी। मैं 2 करोड़ रुपए एक बकवास फिल्म में डाल दूं, कूड़ा कर दूं, उससे बेटर मैं दान कर देता और गुडविल बना लेता। करेक्ट, करेक्ट। तो बिकॉज अ हैंडफुल ऑफ टीम बिलीव्स इन अ स्टोरी, सो दैट दे कम अलोंग एक मीटिंग में, दे प्लान एंड देन बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आप ये सोचो कि अगर नीडलेस फॉर एनी टेक्नीशियन, अच्छी फिल्म बने या बुरी फिल्म बने, एक साउंड रिकॉर्ड इसका काम है, सेट पे आना, साउंड रिकॉर्ड करना। अगर वो सिर्फ अच्छी फिल्मों में काम करेगा ना, तो वो बेचारा घर नहीं चला पाएगा। सो एज यू सेड, इट्स चॉइस, है ना, सब्जेक्टिव रहती है। सो मेरी थोड़ी जो एक इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है, वो चलते रहना चाहिए, पानी बहता रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, कहीं शैलो वाटर होगा, कहीं डीप होगा। एब्सोल्युटली। तो सेम केसेस, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, सो मतलब ये तो नहीं कहेगा यार मैं ये चुन के गंदा लगाऊंगा प्रोजेक्ट, आप सारे
नहीं आप फिल्म भी एक प्रोडक्ट ही है. एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली मैं तो कहीं घूमने जाता हूँ ना तो कोई मुझे जगह दिखाता है, सर ये देखो बहुत बड़ी जगह है जहाँ आप शूटिंग करो. मैंने कहा मैं यही तो काम करने नहीं आया. तो तुम्हारे साथ भी कभी हुआ है तुम कहीं भाई जगह में चले गए और तुमने कहा यहाँ रूफटॉप सोलर लगना चाहिए या यहाँ सनलाइट कितनी बढ़िया है. यार सनलाइट तो हमारी इंडिया में वैसी बहुत भगवान ने बहुत अच्छी दी है तो वो तो हर जगह लग जाता है सोलर. तो ट्रैवल किट में क्या होता है, व्हाट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग व्हाट इज. मेरे पास एक्चुअली मैंने फोटो डाली थी नॉर्मली इट्स जीन रहेगी. अच्छा मैं यूके गया एक छोटे सूटकेस में. सो मेरे ट्रैवल किट में मेरी टर्बन है, एक दो टर्बन रहेगी मतलब, और आपके जीन और दो तीन टीशर्ट हैं. दैट्स अबाउट इट. आई बहुत लाइट ट्रैवल करता हूं मैं. और कुछ बुक्स भी रहती हैं कि अच्छी कोई बुक्स है. और मेरे को ना रीरीड करने का भी बहुत शौक है. सो जैसे एक तो फंडा होता है कि यार आपने ये बुक पढ़ ली चलो यार ये तो खत्म होगी. मुझे लगता है कि यू नेवर एक्चुअली रीड अ बुक. आप अगर कोई 400 पेज की भी बुक पढ़ रहे हो ना यू आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट बुक. व्हेन आई से यू नेवर रीड अ बुक का मतलब है कि रीड करके ऑब्जॉर्व एक एक शब्द नहीं कर सकता. नहीं कर सकते. सो मैं ना कई बुक्स है जैसे गुड टू ग्रेट है, टोयोटा वे है, आइंस्टाइन की ऑटोबायोग्राफी, ये मैं अपने साथ ही रखता हूँ जहां भी ट्रैवल करूँ. आई रेड दिस 5-6 टाइम्स बट आई ऐसे बुक क्रिकेट नहीं अब खेलते, खोल के पेज में स्टार्ट करता हूँ रीड करना. बिकॉज ये ना भाई ये आपके मतलब ना ग्रंथ है ऐसी बुक्स. आइंस्टाइन की ऑटोबायोग्राफी जब आप पढ़ रहे हो ना, जब आप 10 बार पढ़ रहे हो 11वीं बार आपको याद आया ओहो यार ये तो मैंने ये तो कमाल की चीज लिखी है. So, आपको पता नहीं होता कौन सी चीज कनेक्ट कर जाए. सो आई लव री रीडिंग बुक्स ऑल्सो. जब ऐसी बुक्स पढ़ते हैं ना सिमर, जब मेरे पास भी ऐसे बायोग्राफी या ऐसी फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स आते हैं, मैं सोचता हूँ कि जब हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं ना, हम एक तजुर्बा पढ़ रहे हैं और हम अपना तजुर्बा साथ साथ जी रहे हैं. तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप ट्रैक कैसे रिलेट करोगे कि यार ये सिचुएशन, और हम उस सिचुएशन को जल्दी पकड़ पाते हैं जो हमारे साथ हुई होती है. बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं. हाँ क्योंकि वही ना मेरा तजुर्बा चाइल्डहुड का डिफरेंट था. अब आपने बड़ा अच्छा किस्सा सुना एक कि चाइल्डहुड में ऐसे एक्सपीरियंस रहे. अब मेरे लिए सबसे स्ट्रेनस डे होता था हमारे ना स्कूल में एक दिन होता था जब ना साल में एक या दो दफ़ा ना मतलब वो क्लिनिक होती थी स्कूल में, और वहाँ पर ना बच्चों की हाइट और उनके आई साइट और वो और वेट चेकअप होता था. अब सिंबर मैं था क्लास का सबसे रजवाड़ा स्टूडेंट, यानी कि सबसे भारी मैं ही था, सबसे लंबा और सबसे बड़ा. तो मैं सबसे लास्ट में खड़ा होता था, मतलब मैं सबसे हेल्दी स्टूडेंट था. ठीक है हेल्दी बोलूंगा पंजाबी एंड ओवरली हेल्दी. तो भाई साहब मेरी पूरी कोशिश होती थी कि एक दिन पहले अगर पता लग गया ना कि कल क्लिनिक में जाना है, अगले दिन मैंने छुट्टी ले लेनी. क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता था कि जब मैं वेइंग मशीन पर चढ़ूँ तो 10 आंखें और होनी चाहिए कि ये 100 पहुंचा नहीं पहुंचा, ये 100 पहुंचा नहीं पहुंचा. मतलब हर साल मेरा 5-6 किलो बढ़ रहा होता था, 6-7-8 किलो हर क्लास में एक किलो. मैंने वही ना संघर्ष अलग अलग है अलग अलग. तो मैं सोचता था कि फिर मैं अगले दिन जाता था और जो उस दिन की छुट्टी वाले होते थे स्टूडेंट्स या उनको या बीच में खिसक लो, मतलब कुछ ना कुछ करो, करना नहीं है मतलब कि पूरी क्लास ये ना देखे कि भाई कितना वेट हो गया. तो आप देखो वेट की कोई बात नहीं करता क्योंकि टाइम्स हैव चेंज. मुझे भी नहीं देखने को लगता है यार कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बचपना बचपना होता है. करेक्ट करेक्ट. उस वक्त अगर बच्चा कॉन्शियसली जिएगा तो वो कुछ नहीं करेगा. बच्चे को क्यों कॉन्शियस होना, उसका तो एक काम होना चाहिए बस खेलो भागो कूदो फांदो आइसक्रीम खाओ और स्नैक्स खाओ और सो जाओ. करेक्ट. उसको जिम्मेदारी दे देंगे, उसको कॉन्शियस कर देंगे, तू डाइटिंग कर तू वो कर, चाइल्ड विल लूज इट. 100% मैं नहीं कर सकता. तुम्हें डर लगता है कि बादल आ जाएंगे और सोलर पावर नहीं जनरेट होगी? नहीं नहीं ऐसे डर तो नहीं लगता यार. ऐसे क्लाउड फ्री नहीं वो टेक्नोलॉजी है? नहीं एक्चुअली ना ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि सोलर को लाइट चाहिए. सो जैसे फोटोसिंथेसिस होता है फोटॉन्स चाहिए. हाँ वो उसको लाइट चाहिए बस. मतलब ऑफकोर्स जनरेशन बारिश में भी जनरेशन होती है. करेक्ट. जनरेशन बंद होती है जब लाइट जीरो हो जाती है, जब पिच डार्क हो जाता है तब जनरेशन बंद होती है. सो ये ना बड़ी लोगों को ये मिथ क्लियर करना बहुत जरूरी है. एक वो सीरीज बनाएंगे मिथ है ना मिथ अपने मिथ हमने क्लियर कर दिया है. गाड़ियों वाड़ियों का शौक है तुम्हें? हाँ उस पर भी आ रहा था. उसमें भी शौक नहीं है बिल्कुल भी. अरे यार मैं तेरे ट्रैवल किट बताता हूँ मेरी क्या है. तो मेरा बल्कि उल्टा है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं गाड़ी चलानी. लाइक बहुत ही खराब लगती है. मेरे कहीं मेरा बहुत बचपन का दोस्त कहता है तेरे में कुछ है ही नहीं करैक्टरिस्टिक यार. हम दोस्त है ही कैसे? हाँ दोस्त मेरे को गाड़ी का कितना शौक है. मेरी ट्रैवल किट एक तो मैं ट्रेन रेन मेरे बस की नहीं है, या तो फ्लाइट हो या मैं हिट द रोड. ड्राइव भी मैं खुद करता हूँ.
तो मेरी किट में कैमरा होता है, तो मेरी किट में कोई नहीं, बैग बता दिए, मेरी किट में मेरी ड्रिंक्स होती हैं, मेरा कॉफ़ी होती है, मेरा कैमरा होता है और ट्राईपॉड होता है, एवरीथिंग। मुझे कहीं पे भी कोई फ्रेम अच्छा मिल गया, मैं लगा के बैठ जाऊँगा। तो मेरा कपड़े भी दो चेंजेस होते हैं, जूते का भी चेंज रखा होता है मैंने, कभी एकदम से ही बैठे मीटिंग में उतरे, कभी एक दिन में दो इवेंट में चले गए। तो आए मेरे को तो ड्राइविंग रिजुविनेटिंग लगता है। आपने बोला आपकी स्ट्रेस बस्टर है, मेरे लिए तो आई गेट मोर स्ट्रेस व्हेन आई एम ड्राइविंग, सो मेरे लिए बिल्कुल ही उल्टा है। एंड बट ठीक है, बट आई थिंक एवरीबॉडी इज डिफरेंट है ना, मतलब हर बंदे की अपनी लाइफ है। एक दिन सेवर और मैं ड्राइव पे चलेंगे, हाँ मैं साथ बैठ जाऊंगा, आई विल एंजॉय, मैं बुक पढ़ लूंगा, आप चला लेना गाड़ी एंड मेरे को कॉफी दे देना, फिर क्या अच्छा लगेगा यार मेरे साथ बैठ के सिमर बुक पढ़ रहा है। नहीं, गप्पे शप्पे मारेंगे वो करेंगे, बट या सो आई थिंक दैट्स मी। एंड मैं मानता हूं, सिंस वी आर जस्ट हैविंग दिस कन्वर्सेशन, मैं मानता हूं यार पर्सन शुड बी एज ट्रू एज पॉसिबल, एब्सोल्युटली है ना, वो स्किल दिखनी चाहिए बंदे की। मैं बोल दूंगी जी मुझे ये शौक है, एक्चुअली में है नहीं, है ना। सो आई थिंक वो एक और भी कॉन्सेप्ट है, मैं बड़ा ओपनली बोलता हूं भाई मेरे को पढ़ने का ना, रीडिंग में मेरी कंसंट्रेशन नहीं है, मैं अपना स्क्रीन प्ले के टाइम पता नहीं मेरे को क्या होता है, बस उस टाइम उस टाइम मुझे आउट ऑफ स्क्रिप्ट कुछ नहीं, चाहे उसके फिर मैं 150 पे लिख दूंगा डायलॉग सीन टू सीन पूरा, उसको तीन बार पढ़ लूंगा, उसको निकाल दूंगा, एक बार वो पिक्चर मेरी खुद भी बन गई, मैं नहीं देख सकता, लोग देखते रहते हैं कि आज हमने आपकी देखी वो देखी, बट मैं उस वक्त शायद जोन से निकल के मैं तो अगले कंटेनर में चला गया हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि वॉट एवर यू गिव टू द पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। एब्सोल्युटली, एट दैट मे बी इफ आई मेक द सेम फिल्म अगेन 5 years same later, इट विल नेवर बी द सेम, बिकॉज यू हैव इवॉल्व्ड, यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड देन यू ऑल्सो स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट। 100% यार, मुझे डर, पता है आपने पूछा डर की बात है, मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा डर है कि मैं ना कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाह रहा, इररिलेवेंट जब हम बात करते हैं ना। आज के टाइम पे इट इज ऑल अबाउट रीलर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्न, एडेप्टेबिलिटी, है ना। मतलब मुझे ना उस चीज का एक डर है कहीं ना कि मैं ऐसा कभी ना हो जाऊं जिसमें मैं बोलूं कि यार नहीं नहीं मैं तो यही करूंगा सिर्फ, और आई डोंट चेंज, है ना, दैट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट एडेप्टेबिलिटी, बिकॉज आई थिंक दैट उसका डर तो है मेरे को कि मैं आई डोंट वॉन्ट टू बिकम दैट पर्सन दैट फील्स दैट यार मैं बस यही करने जो यही करना चाहता हूँ और मैं चेंज नहीं करूँ। देख यार, कोई भी बंदा चेंज, आपको पता नहीं होता कि आप चेंज नहीं करना चाहते, बट मतलब आप यू हैव केप्ट योरसेल्फ ओपन टू द एवोल्यूशन। हाँ, बस वो जो पावर ऑफ चेंज है ना, एडेप्टेबिलिटी। मुझे ना जस्ट वे बड़े क्वेश्चन ही पूछते थे 3-4 साल पहले, वी डू सी आफ्टर 5 years, 10 years, है ना, बड़ा बेसलेस ये क्वेश्चन, और मैं ना आंसर देना बंद कर दिया। मैंने कहा कि आप देख, पहली बात, इफ आई आंसर देन आई एम चैलेंजिंग द नेचर, कि नेचर को मैं बता रहा हूँ कि ये मैं बनना चाहूँ। 2000 जिन्होंने बोला होगा मैं 2020 में फाड़ दूंगा, वो तो घर बैठे सारे, है ना, सारे भगवान ने बोला, नेचर ने बोला घर बैठो, कोविड हो गया, है ना। सो यू डोंट नो, सो यू आर चैलेंजिंग द स्टेटस को, नेचर को, एनर्जी को आप चैलेंज कर रहे हो, कि एक छोटा सा बंदा जो एनर्जी ने आपको बनाया वो ही बता रहा है कल क्या होना। सो पहली बात तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया, मुझे पता ही नहीं क्या होगा। बट मैं ये बोलता हूँ कि जो भी हो ना फ्यूचर, जो भी हो, आई शुड हैव द करेज टू चेंज, आई शुड हैव द करेज टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर। बस मुझे उस चीज का डर लगता है कि ऐसा कभी मैं लाइफ में ना हो जाऊं जिसमें मेरे को करेज खत्म हो जाए कि मैंने चेंज ही नहीं होना या मैं अडेप्ट नहीं कर पाऊं। वो डर होता है, इट इज नॉट अबाउट कि तभी मैं कॉम्प्लेसेंसी की बात कर रहा हूँ, वो डर है, डर ऑफ बीइंग इन योर कंफर्ट जोन। मैं वो कभी नहीं, मतलब टिल नाउ आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद माई सेल्फ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, वो उसका तो डर है, एंड वो भी नेचर की वजह से है, एनर्जी की वजह से है, वो बस अवेयर रहे, वो ग्राउंडेड रखे मेरे को। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा रहा है अभी तक आपके साथ, या एक नहीं, एक को चैलेंज को क्या डिफाइन करता हूँ? सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ होगा, बट हो गया। ये काफी है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें मतलब यू नेवर न्यू, है ना, जैसे मैंने वो आंध्र प्रदेश की बात की, दैट वाज समथिंग दैट आई लर्नड अ लॉट, है ना। मैं उस प्रोजेक्ट में रहा 6 महीने, अनंतपुर वेमल पाड़ू ताड़ीपत्री तो नाम था उस जगह का आंध्र प्रदेश में, राइट, 15 दिन लग गए याद करने को कि नाम क्या है।
तो आपने वहाँ बहुत सीखा. फिर हमने एक हिमाचल में एक जगह मशोबरा करके वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमने लगाया. उस प्रोजेक्ट लगाने के बाद पहाड़ काट के कुछ था प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट जब हमने लगाया तो वो अराउंड 70,000 लोगों को बिजली दे रहा था वो प्रोजेक्ट, राइट. तो मुझे ना वो प्रोजेक्ट मतलब जिसमें आई फील कि यार इम्पैक्ट बड़ा हुआ. इम्पैक्ट इज समथिंग दैट इम्पैक्ट इज हाँ इम्पैक्ट इज द वर्ड. कि मुझे ना वो इम्पैक्ट मतलब द नंबर पैसा माइट नॉट मैटर, मतलब एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट भी हो सकता है लेकिन वो इम्पैक्ट अगर बहुत बंदों को कर गया ना तो वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए लाइक आई पुट दैट ऑन अ पेडेस्टल. जब रात को सोते हो तो सोते टाइम क्या सोचते यार कि कल मैं उठूँ तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, ये आती मेरे मन में बात कि मतलब मैं ये लास्ट एक दो साल से तो करने लग गया हूँ. व्हेन आई स्लीप आई जस्ट प्रे वन सेकंड कि मैं कल सलामत हेल्दी उठ जाऊँ, ये मैं थोड़ा बहुत करने लग गया हूँ. सोचता कुछ नहीं है यार, आई एम वेरी मेरी स्लीप आवर्स बहुत कम है एंड बट साउंड स्लीप. अगर मैं 4 घंटे सो रहा हूँ तो 4 घंटे हम कट ऑफ एकदम, मतलब मेरे को भुलाओगे हिलूंगा नहीं मैं, बट मेरी ट्रांसमीटर डाउन है. करेक्ट, एमसीबी डाउन है. बिल्कुल एमसीबी डाउन है, फिर वो एकदम आप होता फिर ऑन हो जाता है. करेक्ट. सो ऐसे कोई थॉट्स नहीं आते, आई एम वेरी क्विक टू स्लीप. लाइक मुझे स्लीप आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट. कि ऐसा नहीं कि कई होता ना कि वो लेटे रहते हैं अभी घंटा दो घंटा, मेरे साथ वो नहीं है बिल्कुल. व्हेन आई एम ऑन द बेड अनदर 5-10 मिनट्स आई मतलब नींद आ जाती है. हाँ नॉक ऑफ, सो आई डोंट थिंक दैट मच. हाँ बस थोड़ी अगले दिन की प्लानिंग होती है, अच्छा ये ऐसे करना है. बट दैट वन थिंग आई स्टार्टेड डूइंग यार. प्लानिंग दिमाग में रखते हो कि लिखते हो? दोनों करता हूँ यार. सो मतलब वो लिखना पसंद है, तो वेदर वो फ़ोन पे हो या कागज़ पे हो. तो जिस दिन कई बार मैं पेपर और पेन के मोड में होता हूँ तो मैं कागज़ ले लेता हूँ. मेरे पास कोई डायरी नहीं है, मैं लैपटॉप नहीं यूज़ करता. आई डोंट मतलब ये हटेक टावर में मेरे पास अब मैं बैठता भी कहीं नहीं हूँ. मतलब आई डोंट हैव अ रूम पर से, मतलब मैंने अब छोड़ दिया है सारा कुछ. मतलब मेरे वो कागज़ ले लेता हूँ, कागज़ पर जो लिखना है वो लिख दिया. सो माई वे ऑफ वर्किंग इज ऑल्सो नाउ आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई एज मच एज आई कैन. आई डोंट वॉन्ट टू कैरी बैगेज विद मी, है ना. आई डोंट वॉन्ट टू, मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ. तो एक किताब भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जेन करके किताब है. जेन एक बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट है. सो वो शिनेरो सुजुकी ने लिखी थी. जापान में मैं इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ जेन का. तो वो इट टॉक्स अबाउट सिंप्लिसिटी. इट टॉक्स अबाउट कि सिंपल चीज़ करनी बहुत मुश्किल है ना. सो मैं वो चीज़ मतलब आई प्रैक्टिस दैट अलॉट. और सुबह उठते हो तो क्या सोचते हो? यार आप मुझे एकदम बिल्कुल डीप डाउन लेके जा रहे हो ना यार. कुछ नहीं सोचता यार, बस काम पे लगा. थैंक यू जो रात को सोच के सोया था वो सुबह वो. थैंक यू. बस मतलब सुबह ठीक जाए, है ना, दिन ठीक जाए. दैट देखो लोग पाठ कहते हैं उसको या कोई भी चीज़ कहते हैं. आई थिंक ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस टू द एनर्जी अराउंड यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील दैट व्हाट यू थिंक यू बिकम. आप सोलोगे मेरे साथ खराब होगा तो आपके साथ खराब ही होगा. आप बोलोगे यार मैंने फाड़ देना सब कुछ तो आप फाड़ दोगे, है ना. तो मैं तो ना बहुत भक्त हूँ उस कॉन्सेप्ट का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भक्त हूँ. कि यार एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड. तो वाई बिकम अ नेगेटिव यू नो एनर्जी इन द रूम, बिकम अ पॉजिटिव एनर्जी. पीपल शुड कम टू यू, पीपल शुड फील अट्रैक्टेड. सो मैं थोड़ा ना काम को लेके मतलब अगर वो चीज़ नहीं भी पॉसिबल होगी ना, मैंने बोलना नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगी. एंड आई थिंक दिस आई हैव पिक्ड फ्रॉम माई फादर. He is also someone that, you know, says that impossible hai nahi. And that insane, you know, positivity mere mein hai. Kaam ko leke. Waise main thoda sa, matlab, I'm, thoda main realism mein aa jata hun. Optimism aur pessimistic ko chhod ke beech mein bolte hain ki reality check mera thoda rehta hai. So bas par bolta hun, aaj ka din badhiya rahe aur bhagwan shukar hai, aapne meri raat theek nikal di. Chalo, kaam karo. Bas, आपने बड़ी अच्छी बात बोली बीच में, बस लाइफ शुड गो ऑन, है ना. मतलब चलते रहे, बस चलना है, बंद नहीं होना. बहते हुए पानी की तरह है. बहते हुए मैं अपने एक्टर्स को भी कहता हूँ कि जब वो आते हैं, वो एक माइंडसेट के साथ आते हैं, एक्टर हमारे लिए या कोई भी टेक्नीशियन हमारे लिए भी ना सिमर, आई वुड से कि बी लाइक वाटर. आप जिस आकार में डरो ना वो बन जाओ, क्योंकि पानी है, ज़रूरत है. करेक्ट करेक्ट. पानी के बिना धरती नहीं है, धरती आधी से ज़्यादा तो पानी है. सारा खेल पानी. एंड आई थिंक वाटर, जो ब्रूसली का बोल रहे हैं, ब्रूसली का जो वाटर का, आई थिंक पानी सबसे ज्यादा अडैप्ट पानी करता है. उसको आप कप में डालो, कप बन जाएगा, आकार में डालो, बर्फ बन जाएगा, हाफ बन जाएगा. पावर ऑफ अडैप्टेबिलिटी. बस सिमर वही था कि लाइफ शुड बी मूविंग. और यही मुझे बात सिमर की बहुत अच्छी लगी कि जैसे भी लाइफ आती रही, सिमर डिड नॉट गिव अप. चाहे वो स्कूल में थी, चाहे किसी के मिलने के बाद एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, आपने सीखा और आप आगे बढ़ते गए, और फिर आपने
आई थिंक ही नेवर गेव अप एंड दैट इज व्हाट मेड यू व्हाट यू आर टुडे. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज सिमर के साथ बैठ के. तो सिमर वी हैव अ होल लॉट ऑफ गुडीज दैट वी हैव फ्रॉम आवर पार्टनर्स दैट वी वुड लाइक टू गिव टू यू. सो दिस इज फ्रॉम एरोमा मस्क. दिस इज परफेक्टेड बाय नेचर फॉर सिमर. एंड देन वी हैव अ गुड हैम्पर फ्रॉम एलिस्टोज फॉर सिमर. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या बात है. हाँ पूरी फॉर्मेलिटी वगैरह आप कर रहे हो. हाँ देखो हम बता रहे हैं कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और वो मार. अरे यार फॉर्मेलिटी का है ये हमारे पार्टनर्स का प्यार है जो आपके लिए है. सो नाइस है ना. एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एन एपिसोड मैं इसको कहूँगा कि इसमें मैं एक इंजीनियर के साथ बात कर रहा हूँ जिसकी लाइफ बहुत दफ़ा बदली है. और पहले मतलब बहुत सिंक्रोनस लाइफ होती है इंजीनियर्स की जो कि लाइफ में दी एंड वो कुछ कर जाते हैं जो सोचा भी नहीं होता. सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर एपिसोड्स एंड कीप वॉचिंग. दिस इज मी ओजस्वी शर्मा विद सिमरप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम रोलिंग फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट. स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग आरएफई अनप्लग्ड. आप देख रहे हैं आरएफई अनप्लग्ड रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे.